अधिकारी मलयकू ने किया फतेहपुर प्रखंड के सेतु शिक्षा केंद्र का निरीक्षण। फतेहपुर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के झारखंड महिला विकास समिति एवं हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया के देखरेख तथा विश्व बैंक के सौजन्य से संचालित तेजस्विनी परियोजना फतेहपुर प्रखंड के सेतु शिक्षा केंद्र खामारबाद पंचायत भवन में आज मुख्य अतिथि के रूप में जोन 04 के ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट पदाधिकारी मलयकू दास का आगमन हुआ। सेतु शिक्षा केंद्र खामारबाद के अध्ययनरत किशोरी युवतियों की शिक्षा की गुणवत्ता, केंद्र के अभी तक का सुविधा, यातायात के साधन, साफ सफाई तथा ब्रिज एजुकेटर के शिक्षा देने के गुणवत्ता आदि के विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी से अवगत हुए। मालूम हो कि फतेहपुर प्रखंड के कुल 217 किशोरी युवतियां को सेतु शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने का लक्ष्य है। इनके लिए 4 शिक्षण केंद्र बनाया गया है, जैसे सेतु शिक्षा केंद्र खामारबाद, जामजोरी, फतेहपुर तथा चापुड़िया पंचायत भवन में केंद्र स्थित है। इनमें से 3 केंद्र 11 अप्रैल 2022 से उद्घाटन किया जा चुका है, 1 केंद्र चापुड़िया का उद्घाटन होना शेष है। सेतु शिक्षा के माध्यम से 8वीं से 10 तक निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। जोन पदाधिकारी ने कहा कि 10 की शिक्षा पूर्ण करने से प्रत्येक किशोरी युवतियां को 12,000 छात्रवृत्ति झारखंड सरकार की ओर से सीधे लाभान्वित किशोरी युवतियां के खाता में राशि हस्तांतरण किया जाएगा। इन राशि से किशोरी युवतियां अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने में सुविधा मिल पाएगा और शिक्षित बन पाएगी। इस शुभ अवसर पर फतेहपुर फील्ड कोऑर्डिनेटर शांति गोपाल महतो ने तेजस्विनी परियोजना फतेहपुर के अभी तक सामाजिक हित में किए गए कार्य, प्रशिक्षण आदि जानकारी से सभी रूबरू कराए। इस मौके पर ब्रिज एजुकेटर लवली यादव, युवा उत्प्रेरक बबिता मरांडी, बनलता यादव, कुरिनकु टुम्बा सिंह तथा सेतु शिक्षा के लाभान्वित किशोरी वतिया उपस्थित थे। अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो अच्छी बात है।